危ない。इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इजरायली फौज ने लेबनान के ऊपर साल 2006 की जंग के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर एक बहुत बड़ा पलटवार किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइल के कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीन में बहुत भीतर तक कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने मेगिडो मिलिट्री एयरपोर्ट, जो पश्चिमी अफूला शहर में है, यहां पर हिजबुल्ला ने मिसाइलों का एक पूरा जत्था फायर किया। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से फायर होती हुई दिख रही हैं। हिजबुल्ला ने पलटवार करते हुए इसराइल के सबसे भीतर अपनी लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने रामत डेविड मिलिट्री बेस पर फिर से एक मिसाइल दागी है, जो हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने एमोस बेस और जिक्रन इलाके में एक हथियार फैक्ट्री पर भी हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि हथियार बनाने वाली ये फैक्ट्री लेबनान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने इन हमलों में फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर और 105 किलोमीटर तक है। हाल ही में हिजबुल्ला ने यह ऐलान किया था कि उसने इसराइल के खिलाफ इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने ये सभी हमले 23 सितंबर 2024 को इसराइली एयर स्ट्राइक के बाद किए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने उत्तरी इसराइल में रफाल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऊपर भी हमला किया है। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से हजारों सेटलर्स को बम शेल्टरों की पनाह लेनी पड़ी। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तफेन में हिजबुल्ला की तरफ से दागे गए कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। इस सब के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की जनता के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है, ये हिजबुल्ला के साथ है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. आपको बता दें कि नेतन्याहू के इस बयान से पहले IDF ने लेबनान के पूरे टेलीकॉम नेटवर्क को हैक कर लिया था, और अचानक से पूरे लेबनान में मोबाइल्स पर IDF का एक मैसेज फैलने लगा, जिसमें लोगों से हिजबुल्ला से दूर जाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि IDF ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं हिजबुल्ला ने कहा था कि वो इस तरह के मैसेजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। और अब हिजबुल्ला के द्वारा लंबी दूरी के हथियारों का इसराइल के अंदर दूर तक हमला करने का मतलब यही निकलता है कि जिस हिजबुल्ला ने अभी तक अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे, वो अब धीरे धीरे अपने उन घातक हथियारों से इसराइल से सीधी जंग लड़ने को तैयार है।